ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के मुस्लिम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि CAA से भारतीय मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है। खतरा उनको है जिनकी झूठी चांद चाहट खत्म हो गई है। ये बातल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक KD हिमाचली ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। देश के मुस्लिम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि CAA से भारतीय मुस्लिमों को फिर कोई खतरा नहीं है। खतरा उनको है जिनकी झूठी चांद चाहट खत्म हो गई है। ये बात मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक KD हिमाचली ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि CAA से हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान खतरे में है। हिंदुस्तान में जिस तरह प्रत्येक समुदाय के लोगों में से मुस्लिम भी एक समुदाय है और मुसलमान की पहचान हिंदुस्तान से है, कुछ लोग CAA को लेकर देश के मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें सलाह है कि ऐसी हरकतों से बाज आए और देश हित में सब एकजुट हो जाएं। इस देश के अंदर कुछ लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों की आइडेंटिटी CAA से खतरे में है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के दीगर कौम जो है, दीगर समुदाय जो है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, मुसलमानों की आइडेंटिटी भी हिंदुस्तान के लोगों के साथ है और हिंदुस्तान खतरे में नहीं है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान की आइडेंटिटी खतरे में नहीं है।